हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप पहले की तरह एकदम ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज बात करते हैं स्नेक प्लांट की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। स्नेक प्लांट को प्रपोगेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। स्नेक प्लांट को प्रपोगेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे पानी में प्रपोगेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट खाद में या मिट्टी में। ये कुछ उन खास पौधों में से एक है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है और इनकी चौड़ी पत्तियां टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं और कमरे की हवा को प्यूरीफाई कर देती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ बात प्रोपोगेशन की हो रही है तो लगे हुए स्नेक प्लांट के पीसेस कर लेना है। वो आप सीजर से, चाकू से या प्लकर से, किसी से भी कर सकते हैं। पीसेस करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपर पार्ट कौन सा है और लोअर पार्ट कौन सा है। तो देखिए, एक लंबे से स्नेक प्लांट के मैंने इतने सारे पीसेस कर लिए। अब में से कुछ पीसेस को मैंने मिट्टी में रोप दिया और कुछ पीसेस को मैंने पानी में डुबो कर रख दिया। मिट्टी में रोपने का तरीका वही सिंपल। आप एक उचित रेशियो की मिट्टी तैयार कर लीजिए, उसमें अपर पार्ट ऊपर रहेगा, लोअर पार्ट 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर रहेगा। इस मेथड के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा और 10 से 15 दिन बाद आपकी स्नेक प्लांट में जड़ें आ जाएंगी। मिट्टी के लिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि दो हिस्सा परलाइट लेना है, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा गार्डन सोइल का इस्तेमाल करना है। मिट्टी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए जिससे कि पानी ज़रा भी रुके ना। दूसरे तरीके में हम बात करते हैं पानी में स्नेक प्लांट को प्रपोगेट कैसे करें। स्नेक प्लांट को पानी में लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। ग्लास में इतना पानी डालें कि पत्तियों का सर यानी कटा हुआ भाग जो है वो पानी में करीब 2 से 3 इंच डूबा हुआ रहे। आप इसे तीलियों की मदद से ऐसे सेट कर सकते हैं कि ये ग्लास में सीधा खड़ा रहे। हर 2-3 दिन में बर्तन का पानी बदल दें और 2-3 हफ्ते में पत्ती के सिरे से सफ़ेद जड़ निकलने लगेंगी, तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मिट्टी में लगा हुआ स्नेक प्लांट 15 दिन बाद कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। अब आप चाहें तो इसे अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं और 1 से 1.5 महीने बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आने लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।